फतेह दरवाज़ा जो कि ये इसका नाम इसलिए है कि जब औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज जो थी मुग़ल फ़ौज वो जब किले गोलकुंडा को फ़तेह करी 1687 में, तो जब ये दरवाज़े से दाखिल हुए तो इसके ये दरवाज़े का नाम फ़तेह दरवाज़ा है। डायमंड्स हीरे जवाहरात जो किले में मिलते थे वो कमानों में फ़तेह दरवाज़े के एकदम सामने जो बाज़ार है वो बाज़ार में मिलते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिबगतुल्लाह ख़ान है और मैं एक इदारा चलाता हूँ दक्कन आर्काइव मेरे थोड़े दोस्तों के साथ, और इंटेक हैदराबाद के सपोर्ट में आज हम लोग और एक हेरिटेज वॉक करें जो कि फ़तेह दरवाज़ा से बाला हिसार दरवाज़ा किले मोहम्मद नगर जो कि किले गोलकुंडा है उसमें। फ़तेह दरवाज़ा जो कि इसका नाम इसलिए है कि जब औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज जो थी मुग़ल फ़ौज वो जब किले गोलकुंडा को फ़तेह करी 1687 में, तो जब ये दरवाज़े से दाखिल हुए तो इसके ये दरवाज़े का नाम फ़तेह दरवाज़ा है। अभी कई इससे पहले वो दरवाज़े को शायद हैदराबाद दरवाज़ा या बाग नगर दरवाज़ा बोलते थे क्योंकि वो उसका रुख हैदराबाद की जानिब है, और वहाँ से जो रास्ता निकलता उस पर वो लंगर हाउस का जो तालाब है वो तालाब से होके गुज़र के लंगर हाउस गाँव, फिर उसके बाद अत्तापुर कारवान, फिर कारवान से पुराना पुल, पुराना पुल से हुसैनी आलम से चार मीनार, फिर वो चार मीनार से आगे वो रास्ता अलीजा कोटला, फिर आखिरकार जाके मछलीपट्टनम पे मिलता था। तो ये रास्ता हमारा जो किले से स्टार्ट होता सीधा रास्ता पूरा मछलीपट्टनम तक एक ही एक सीधा रास्ता सा जाता था, और हम वो रास्ते में जो किले के बाला हिसार दरवाज़े और फ़तेह दरवाज़े के बीच में जो जो बिल्डिंगा हैं कदीम वो देखे, जो कि सबसे पहले है डायमंड क्वार्टर्स। तो जो डायमंड्स हीरे जवाहरात जो किले में मिलते थे वो कमानों में फ़तेह दरवाज़े के एकदम सामने जो बाज़ार है वो बाज़ार में मिलते थे, और 1940s में प्रिंसेस दुर्रेशवार और प्रिंस आज़म जा बेरार के उन्हों इसको मिलिट्री आर्मी क्वार्टर्स में तब्दील करे। तो जब 1940s के बाद से अभी तक के लेके क्वार्टर्स के वैसा ही है, अभी भी इसमें लोग रहते और कदीम इमारत को उन्होंने अपना घर बना के रह रहे हैं। वो बाज़ार के बाद आपको आता है शाही ख़जाना है, और शाही ख़जाने से पहले एक है शमशीर कोटा। शमशीर कोटा की अभी भी हालत बहुत ख़राब है। शमशीर कोटा में एक छोटी एक किसी की मज़ार है साहेब की, और दो तोप उसके सामने रखे हुए, और इसका दरवाज़ा अगर आप देखेंगे अभी तो बंद हो, बंद कर दिए, सील कर दिए दरवाज़े को। कई साल पहले इंडा हैदराबाद और हेरिटेज के एक्टिविस्ट जाकर उसको साफ़ करवाए थे, लेकिन साफ़ कराने के बाद फिर अभी वो हालत बहुत ख़राब हो गई शमशीर कोटे की। शमशीर कोटे के बाद है हमारा शाही ख़जाना बिल्डिंग, जो एक ज़माने में दारुल सल्तनत किले गोलकुंडा के वास्ते पूरा ख़जाना उसमें रहता था, ट्रेजरी था, और वो ट्रेजरी की भी अब हालत ख़राब है, अभी वो म्यूज़ियम है। और इसमें चार बाग जो गार्डन था, बाग था, वो अभी भी बरकरार है, और उसके अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारे म्यूज़ियम आर्टिफैक्ट्स जो दक्कन में मिले काकतिया और कुतुबशाही दौर के तख्तियाँ वगैरह सब डिस्प्ले पे रखे हुए, बेशकीमती सामान रखा हुआ है। अब जब आप उससे आगे आएंगे तो हम आपको मिलेंगे हैदराबाद शहर की, आप बोल सकते पूरे के पूरे शहर की, गोलकुंडा हैदराबाद की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद सफ़ा, जो मोहम्मद सुल्तान खुली खुतुबुल मुल्क सबसे पहले खुतुब शाह ने तामीर की थी 1518 एडी में। और ये मस्जिद में एकदम जो तख्ती है उसमें इसकी तारीख दी जाती है कि महमूद शाह बहमन के दौर में इसकी तामीर हुई थी, और इसमें सुल्तान खुली खुतुबुल मुल्क ने तामीर किया था। और इसके सामने एक आशुर खाना है जो बादशाही आशुर खाना था किले का, और एक तरफ है हबशी कमान, हबशी कमान जोड़े में है, दो हबशी कमान है जिसके ऊपर यहाँ पर जो हबशी गार्ड्स रहते थे,
अभी सीनियर के, उन्होंने यहाँ पर रहते थे गार्ड्स, और उसके सामने फिर हम को आखिरी में जो मेरे पीछे है वो है बाला हिसार दरवाज़ा, और उसके ऊपर पीछे पूरा बाला हिसार जो सबसे ऊँचा हिस्सा है पूरे किले गोलकुंडा का।